मैं आज से व्लॉग नहीं बनाऊंगी, ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा, ठीक है। इतना बड़ा झोला लगा रखा है। गुन्नू और मेरे पे आधारित आज का व्लॉग है ना गुन्नू? यस बोल। ठीक है, स्वागत है मित्रों एवं मित्राणियों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी टाइम सुबह के 10:45 बज चुके हैं। थोड़ा लेट ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो कल का ब्लॉग नहीं बना रखा है, मतलब जो मैंने आज अपलोड किया है ना वो मेरा परसों का ब्लॉग है। सो कल तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बाकी अभी मैं तो घर ही पे हूँ। और माँ, आज संडे है ना, तो पापा की भी आज छुट्टी है, तो पापा नानी माँ जा रखे हमारे जो यहाँ नीचे वाले खेत है ना, रोड के ऊपर वाले जहाँ हमने गेहूँ रखे, तो वहाँ ना एक भीड़ा टूट रखा है, और आज पापा जी उसी को लगाने के लिए जा रखे। और साथ में माँ भी अभी थोड़ी देर पहले ही जा रही है, क्योंकि माँ ने पींडा पूंडा खिलाया डॉली औरों को, तो उसके बाद ही गई माँ। और सुबह तक मैं और काम जा रखे थे वहीं नीचे खेत में गेहूँ लेने के लिए, तो इसीलिए ना थोड़ा लेट ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आज हमारे मंदिर में ना ऊपर पूजा भी है, तो आज मैं तो नहीं गई, बाकी सलोनी और कामू ही जा रखे हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी प्रसाद लेके आना, शाम के टाइम पे आएंगे उसी दे, क्योंकि कल से ना वो धान की बुआई भी होगी जो रुपाई वाले खेत है ना वहां के लिए, तो शाम के टाइम पे बैल भी घर लेते आएंगे। तो इस साल के हमारे गेहूं देखो इतने ज्यादा और रखे हैं ना, और ये वाले गेहूं ना जहाँ से हम आजकल ला नहीं रहे हैं, उधर रोड के ऊपर वाले खेत जहाँ चिड़ियों ने सारा खा रखा है, तो इनमें से ना हमने कुछ कुछ छान के ये ढाल रखे है यहाँ पे सुखाने के लिए। और ये है कवो, कवो की दाल होती है, और छोटे मतलब काफी मटर तो नहीं बोलते लेकिन मटर ही जैसे काफी छोटे छोटे दाने होते हैं इनपे, तो ये भी ना बहुत सारे अभी कच्चे ही हैं, और अभी हमारे खोवे की लिपाई नहीं कर रखी है, तो इसलिए इनको ना ऐसे तिरपाल में ढाल रखे है। तो कल परसों अब जब ना थोड़ा बहुत गेहूँ ला देंगे हम नीचे वाले खेतों से, तो उसके बाद माँ थोड़ा घसाई करेगी, क्योंकि उसके बाद इनको यहीं पे कूटना है। और ऊपर छत पे ना हमने सरसों रखा है, तो उसकी भी अभी मंडाई नहीं हो रही है, तो शाम के टाइम पे ना उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और फिर सुबह को मानेंगे या फिर शामी को देखेंगे। बाकी इतने सारे गेहूँ हो रखे हैं देखो, और अभी तो ये कौ ना काफ़ी ज़्यादा कच्चे भी हो रखे हैं, और कुछ हमने ना वैसे ही रखे हैं ताकि थोड़ी ना जब हम हल लगाने के लिए चले जाएंगे ना, तो उसी के बाद निकालेंगे उन वाले कौओं को, ताकि तब तक ना खेत ही में पके रहेंगे, क्योंकि अभी हमने ना खोवा नहीं लीप रखा है, मतलब इसकी लिपाई नहीं कर रखी है, तो इसलिए इसको यहाँ पे डाल रखे, और बाकी को अभी हमने खेती में ऐसे ही रखा है। ये देखो इतने कच्चे हो रखे हैं ये, और अगर जब पक जाते हैं ना अच्छी तरह तब ये ऐसे होते हैं, देखो खुद ही इनसे ना दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, इसके दाने ये है छोटे दाने। और ये देखो हमारा गुन्नू यहाँ पे, गुन्नू तू गेहूँ छान रहा है ना, है रे गुन्नू? गुन्नू भी मस्त से यहाँ पे, मैंने इसको थैला बिछा रखा है ताकि बंदर आए तो गुन्नू की नज़र सीधे पड़ जाएगी उन पर। और जिन गेहूं को हम छान रहे हैं ना वो ऐसे हैं, ये देखो आधा से ज़्यादा क्या ही बोलना, मतलब सारा घासी के लिए है ये, और इनमें से कुछ ऐसे वाले छानने हैं जो थोड़ा बहुत ना जिनकी बालियाँ कुछ ऐसी और की है, और बाकी सभी हम घासी के लिए रखेंगे। और ये देखो ऐसा हो रहा है इसका गर्दा गुर्दा, और छानने के बाद देखो मैंने तो सारा घास वगैरह ही छान रखा है, और अगर जब मम्मी देखेगी ना तब बोलेगी कि तूने क्या कर दिया, है ना गुन्नू? मेरे को बोलेगी मेरी माँ जी तूने क्या कर रखा है सब। और अभी माँ ने ना यहाँ सामने के सुगड़े में ना पानी लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ना कल परसों खाली कर दिया था, तो उसी के बाद मतलब जब ये अच्छी तरह भीग जाएगा ना उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या बोते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए अभी मैं गेहूँ छान लेती हूँ, इतने ज़्यादा गेहूँ हो रुके जो हमारे, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी टाइम दोस्तों 3:30 बज चुके हैं, और अब जाके मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम मिला, क्योंकि इससे पहले जब पापा और आ गए थे ना, तो उसके बाद नहाना धोना कपड़े वगैरह धोना, फिर उसके बाद खाना खुना खाया, तो थोड़ी देर अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठ रही हूँ। और अभी फिर से ना माँ पापा और साथ में अभी नानी भी चले गए हैं नीचे खेती, जहाँ पे मैंने आपको सुबह बताया था कि दीवार देनी है,
तो वहीं पे जा रखे हैं। और पापा तो थोड़ी देर पहले ही चले गए थे, मतलब 3 बजे तक पापा भी चले गए थे, बाकी अभी माँ और नानी भी चले गए। तो मैं तो खैर घर पे हूँ, तो अभी शाम के टाइम पे ना थोड़ी देर बाद थोड़ा धान कूटूंगी, और फिर सलोनी और कामो भी आएंगे ऊपर से, वो भी शायद बैलों को लेके आएंगे, क्योंकि कल से मैंने आपको बता दिया था शाम के टाइम सुबह के टाइम पे कि कल से हम धान बोना शुरू करेंगे, तो इसीलिए बैलों को शाम के टाइम पे लाएंगे। बाकी अभी बाहर इतनी कड़क धूप लगी हुई है ना, तो यहीं से देख लो दोस्तों कितनी कड़क धूप लगी हुई है। और सामने के गांव में तो क्या ही बोलना अभी, क्योंकि वहां तो शाम के टाइम पे काफी तेज धूप लगती है ना। और यहाँ पे हमारा गुन्नू बहुत ही ज्यादा नाराज, ओ बेटा मक्खी, गुन्नू मक्खी नाराज हो रखे, क्योंकि इसको लेके नहीं गए ना, है ना गुन्नू, इसलिए गेट से वापस आ गया, ये गेट तक जा रखा था उनको छोड़ने के लिए, है ना गुन्नू। दोस्तों नीचे की साइड पता नहीं कहाँ आग लगी हुई है, और वो धुआं देखो सारा ऊपर की साइड आ रहा है। अभी गुन्नू फिर से ना अंदर आ गया है, और इसका ना मतलब एक जगह पे ये रहता नहीं है कहीं, तो खैर ये या तो फिर ये यहाँ पे रहेगा, या फिर अंदर वाले कमरे में, या फिर वो नीचे वखावे के वहां पे, या फिर छत इधर वाले छत के कोने में, और या फिर उधर वाले, है ना गुन्नू। गुन्नू भाई साहब की नींद ही पूरी नहीं होती है। एक गुन्नू आज तो कहाँ जाएगा शाम के टाइम पे, तो आज ये इसको मैं लेके चलूंगी शाम के टाइम पे ऊपर रोड पे घुमाने के लिए, है ना गुन्नू, नहीं तो सुबह से ही घर ही पे है ना। और आजकल इसको ऊपर नहीं ले जाते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह सॉरी सुबह के टाइम पे, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे बंदर भी आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको घर ही में रख रहे हैं, नहीं तो कभी कभी हम ना सुबह के टाइम पे भी ले जाते हैं। और आज तो वो खैर ऊपर ही है, तो इसीलिए हमारी शाम के जाने की छुट्टी, और इसीलिए इसको आज मैं शाम के टाइम पे रोड पे लेके जाऊंगी घुमाने के लिए, ठीक है गुन्नू, डन, ठीक है डन। तो अब मैं भी फटाफट से ना अपने काम पे लग जाती हूँ, और अभी बाहर ना इतनी मस्त हवा चल रही है ना, क्या ही बोलना। और आज तो मेरे साथ मतलब मेरे व्लॉग में तो कोई आया भी नहीं, ना नानी ना माँ ना सलोनी ना कमू, मतलब कोई नहीं, सिर्फ मैं और आज गुन्नू। तो आज का व्लॉग होगा गुन्नू और मेरे पे, गुन्नू और मेरे पे आधारित आज का व्लॉग, है ना गुन्नू, यस बोल, ठीक है। ओए सो रहा है, सो रहा है फिर से, ठीक है सो जा। अभी दोस्तों मैं ला गई हूँ सटी, तो 2 घान में सट्टी कूटूंगी, और उसके बाद जो यहाँ पे गेहूं बचे हुए हैं ना थोड़ा उनको छानूंगी। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे फेंक रखे जैसे कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, मतलब उस पे कुछ है ही नहीं गेहूं, मतलब जो भी हम छान रहे हैं ना वो थोड़ा पींटे के लिए होगा, तो इसीलिए उनमें से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको छान रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेरी ड्यूटी, बाकी मैंने अभी यहाँ पे 1 घान इसमें ढाल दी है वकवे में, और दूसरा ये, तो ये ना लाल सट्टी है, और जिसमें से मतलब बहुत सारे तो लाल ही सट्टी है, और इसमें कुछ कुछ ना सफेद भी है, देख सकते हो दोस्तों, देख लो ये देखो। तो अब फटाफट से काम करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको काम करने के बाद, क्योंकि ब्लॉग बनाने वाला कोई है ही नहीं, बाकी मैं ही हूँ अभी अकेले ही घर पे, तो चलो अपने काम पे लग जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, और अभी थोड़ा जा रही हूँ मैं अभी गुन्नू को लेके ऊपर कच्ची रोड पे घुमाने के लिए, और यहाँ पे कामो भी पहुंच चुकी है। वैसे मैंने कामो को सुबह बोला था कि मेरे को भी प्रसाद लेके आना, तो मैडम जी ला रखा है, शायद बचा नहीं होगा ना, तो इसीलिए कर रही। तो चलते हैं अभी गुन्नू की रस्सी लेके, गुन्नू गुन्नू इधर आ, यहाँ पे आ, जल्दी देखा गुन्नू आ, फटाफटा फटाफटा इसको मैं ना यहाँ से थोड़ा बांध के लेके जाऊंगी, और ऊपर रोड पे जाते ही इसको खोल दूंगी, ताकि गुन्नू और मैं थोड़ा उधर उधर चले जाएंगे घूमने के लिए, है ना गुन्नू, आ जाओ जल्दी आ, गुन्नू यहाँ पे आ, फटाफटा फटाफटा मत कर, वो देखो भागी। अब दोस्तों मैंने गुन्नू को बांध लिया है, और ये देखो गुन्नू गुन्नू, हाँ इसको पता है ना ये रस्सी मेरी है, तो ये देखो ख्याली कर रहे है, ये ख्याली गुन्नू, हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है तेरे को बांध के रखेंगे हम, खड़े हो चलो। तो दोस्तों अभी मैं और गुन्नू पहुंच गए हैं ऊपर रोड पे, और गुन्नू को जैसे बोल रही मैं घर चल घर चल, वैसे गुन्नू आगे बढ़ता जा रहा है ना गुन्नू, ये देखो चलते ही रहो इसके पीछे, मतलब ऐसा है कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे पीछे आते रहे क्या, है ना गुन्नू।
तो कुछ ऐसी है आजकल हमारी कच्ची रोड। बाकी बरसात के टाइम पे ना काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब सभी जगह से टूट फूट होती है और सारा पानी रोड में इकट्ठा हो जाता है। मतलब अगर आजकल भी ना थोड़ा ज्यादा बारिश आ जाएगी ना तो रोड में जो गड्ढे हो रखे होंगे वो फुल हो जाते हैं पानी से। लेकिन आजकल बारिश नहीं है तो काफी अच्छा है। और अभी ना काफी ठंडा मौसम हो गया है, काफी बढ़िया से हवा चल रही है ना गुन्नू? तो ऊपर की साइड जो ये फूल वाला घास दिख रहा है, मतलब घास भी नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं बशलू। इस पे इतने सारे फूल आ रखे हैं दुनिया भर के। तो दोस्तों यहाँ नीचे है गेहूं की सारी, जहाँ पे ना पंडो नाचे थे, तो पंडो ना यहाँ वाले खेत में नाचे थे जहाँ पे हरे गेहूं हो रखे हैं। और यहीं पे ना रामलीला का मंच बना हुआ है, तो अब से यहीं पे रामलीला होगी और यहीं पे पंडो नाचेंगे। तो दोस्तों गुन्नू देखो पता नहीं क्या देख रहा है, यहाँ ऊपर की साइड ए गुन्नू बीच रोड में बैठ रखा है। उसको बोल रही हूँ नीचे साइड आ जा, लेकिन नहीं, उसका ध्यान ऊपर है ए गुन्नू। और ठीक सामने पे यहाँ पे ना झूला लगा रखा है बच्चों ने। तो परसों हम जब दिन में 2-2.5 बजे के टाइम पे आ रहे थे ना, तो उस टाइम भी बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे थे। मतलब आजकल दोपहर में इतनी तेज धूप होती है और फिर भी बच्चे लगे हुए हैं झूला झूलने में। गुन्नू तेरे को झूलाऊं मैं? गुन्नू को झूले में बैठाऊं? है गुन्नू? है गुन्नू? हेलो गुन्नू। तो दोस्तों ये देखो इतना बड़ा झूला लगा रखा है, मेरे को तो लग रही है ये साड़ी है, साड़ी से बना रखी है। और इस पे ना एक छोटी सी रस्सी भी है, मतलब पहले उस पे बना रखी होगी तो अब इस पे बना रखी है। अगर मेरे साथ भी कोई और होता ना तो मैं तो बैठी जाती झूले में झूलने के लिए। आजा गुन्नू गुन्नू। तो अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया और माँ पापा लोग तो अभी नहीं आए थे। काम तो आ गई थी लेकिन अभी माँ पापा नहीं आए थे, तो चलते हैं अभी घर की ओर। इतनी दूर आ गई लेकिन गुन्नू अभी तक उधर से इधर नहीं पहुंचा, तो चलते हैं अभी। आजा गुन्नू। ये देखो उधर ही है। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर है, 2000 कुछ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस पे 500 तक व्यूज आए, लेकिन आते ही नहीं है। मतलब इतने खराब ब्लॉग्स बनाती हूँ कि मैं, तो मैं आज से व्लॉग नहीं बनाऊंगी, ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा, ठीक है? ऐसा गुन्नू भी कह रहा है ना गुन्नू? गुन्नू बोल रहा है दीदी व्यूज ही नहीं आ रहे। मजाक कर रही हूँ, तो चलते हैं अभी घर को। तो दोस्त अभी हम घर पे भी पहुँच चुके हैं, तो इसको मैंने बोला प्रसाद लेके आई, ये बोल रही है कि इतना सारा लेके आ रखी हूँ मैं और सारा का सारा गोलू के पास है। तो मेरे को लग रहा है पता नहीं कितना ज्यादा प्रसाद लेके आई होगी। चमकदार, इसको क्रीम पाउडर चाहिए, लेकिन जब मैं खुद ही नहीं लगाती तो मैं इसको क्या दूंगी, है ना? तो इसको अभी कामो मटर दे रही है ना, ये देखो मटर सुन के ऐसे दौड़ पड़ा ना, ये खा लिया। जा फिर से जा, जा गुन्नू फिर से मांग के आ। ये देखो हेलो दे मटर ले। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कालू और दानी भी पहुंच चुके हैं, है ना कालू? है ना कालू? कालू के सिंग देखो कितने ज्यादा लंबे हैं, और इसका ये देखो एक छोटू सा एक और इतना लंबा, ऐसे फुई फुई करता है ना इस पे अगर हाथ लगाएंगे तो, है ना? है ना? ये देखो दोस्तों अभी हम सभी साई से भी आ गए हैं, और यहाँ पे अभी नानी मिठाई लगा रही है, तो ऊपर से हमारे लिए प्रसाद लेके आ रखा है कामू ने, और खीर चूरमा खीर चूरमा जो भी बना हुआ होगा प्रसाद वो लेके आ रखे हैं। और यहाँ पे ये देखो खीर, तो मतलब बढ़िया से अभी प्रसाद खाते हैं। और यहाँ पे नानी की अभी चाय भी बन चुकी है ना, ये देख अभी तक शर्मा रही थी।